News 18, India. बिहार आज फिर चौंका है, बिहार आज फिर बदला है। सरकार तो पलटकर नहीं बन चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार उसी पद पर कायम है। बिहार में आज जो कुछ हुआ उसे लेकर तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। तेजस्वी ने 17 महीनों की सरकार का मुकाबला नीतीश के नेतृत्व में रही उन सरकारों से किया जो 17 साल तक बिहार में रही। जाहिर है कि सरकार बदलने से इस वक्त तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों बेहद परेशान हैं, लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी ने कहा कि बिहार की पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में 24 घंटे के अंदर गठबंधन टूटा, सरकार पलट गई। बिहार के पूरे पॉलिटिकल एपिसोड में इस वक्त दो नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक है बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उम्र 72 वर्ष, और दूसरे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उम्र 34 वर्ष। उम्र, अनुभव और राजनीतिक समझ के तौर पर नीतीश कुमार हर तरह से हावी कहे जाएंगे, लेकिन जेडीयू आरजेडी गठबंधन वाली सरकार गिरने के बाद तेजस्वी का रिएक्शन देखने वाला है। एक जमाने में नीतीश को पलटू चाचा कहने वाले तेजस्वी इस बार भी बोले, लेकिन तेवर कुछ अलग हैं। वो परिपक्व दिखना चाहते हैं, जेडीयू को सबक सिखाने का इरादा है। पूरी इज्जत और सम्मान के साथ नीतीश को चैलेंज कर रहे हैं। उनकी एक एक बात को बहुत गौर से समझिएगा। उनके जो विधायक है वो 45 है, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें? और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी, और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। तेजस्वी ने 45 विधायकों का जिक्र करके साफ साफ इशारा किया है कि उनकी नजर जेडीयू पर है। वो खेला होने की बात तो कह रहे हैं, साथ में बिहार में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां देना भी गिनवा रहे हैं। साफ है कि बिहार के मुख्यमंत्री को वो बता रहे हैं कि जिस गठबंधन को छोड़कर वो बीजेपी के साथ गए हैं, उसी गठबंधन के जरिए बिहार में सुशासन का दौर जारी था। अब देखिए तेजस्वी की बात का जवाब नीतीश ने किस तरह दिया। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए, और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया, और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर यहाँ थे वही फिर आ गए, और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच इस वक्त बिजली कड़क रही है। नीतीश और तेजस्वी के बीच में सुशासन की बात हो रही है, तेजस्वी खेला की बात कर रहे हैं, साथ में जेडीयू के खत्म होने की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे, इसमें अब कहीं कोई दो राय नहीं। तेजस्वी यादव को कहिए पहले मैट्रिक पास कर जाए, फिर खेला करेंगे। जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से, हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आप लिख के ले लीजिए। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तेजस्वी ने तो यह तक कह दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है,
और अब नीतीश और तेजस्वी की टक्कर के बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी देखिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जो लीडर प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहा है उसे बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद तक सीमित कर दिया। उन्होंने इसे बिहार की जनता का अपमान बताया है। अखिलेश यादव का ट्वीट हो या फिर तेजस्वी यादव की तलखी भरी बातें, इसका जवाब बीजेपी ने दिया है। बिहार के लिए बहुत जरूरी यह था कि एक अच्छी सरकार बने। बिहार की विधिव्यवस्था चौपट हो गई थी, आरजेडी के लोग बिहार में तांडव मचाए हुए थे और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था। नीतीश कुमार जी एक सही फैसला लिया और उन्होंने प्रस्ताव किया भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का, एनडीए की सरकार बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी को चुना और विजय सिन्हा जी को उपनेता के रूप में चुना। सब मिलकर अच्छी सरकार चलाएंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। बिहार के विकास के लिए जरूरी था, बिहार की विधि व्यवस्था के लिए जरूरी था, बिहार के भविष्य के लिए जरूरी था। तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला अभी बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी। कहेंगे उनका सारा खेला समाप्त हो गया, उनको कुछ बोलने का मुंह बचा है क्या? लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की पॉलिटिक्स ने ऐसी करवट ली है कि आरजेडी और कांग्रेस बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी खेला होने की बात कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि बिहार में आरजेडी के गठबंधन साथी कांग्रेस के नेता के बयान बहुत तलखी वाले आए हैं और उसमें वो परिपक्वता नहीं है जो तेजस्वी यादव की बातों में नजर आई। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। कांग्रेस इस वक्त वाकई बहुत परेशान है क्योंकि पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक उसकी हालत बहुत खस्ता है और अब तीनों जगहों पर जो गठबंधन का ख्वाब देखा था वो दो राज्यों में खटाई में पड़ गया है और तीसरे में भी हालत पस्त है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ दो सीटें जीती थी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट जीती थी। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक जितना कांग्रेस अपनी हालत से वाकिफ है उससे ज्यादा उसके सहयोगी दल उसकी ताकत और कमजोरियां समझते हैं। नीतीश तो हट ही चुके हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को यह बता दिया है कि वो उसके बिना चुनाव लड़ने को तैयार है। ऐसे में सवाल है कि जब राहुल गांधी बिहार से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो अखिलेश यादव उनका खुली बाहों से स्वागत करेंगे या कांग्रेस की राह में और कांटे बिछने अभी बाकी हैं।